चलो इस तो बाद वेटलैंड ऑफ पंजाब की गल करते हैं। लास्ट लैक्चर के आप गल की कि जो साडे डियर पार्क उस तो बाद हुण वेटलैंड की गल करते हैं। वेटलैंड ऑफ पंजाब किन्ने ने टोटल 6 इन्हां नूं आपां रामसर साइट बोल दिंदे हां। रामसर साइट क्यों बोलते हाँ क्योंकि वेटलैंड हुंदा की है गिली जगह इन्हां नूं प्रोटेक्ट करन दे लई एक जो समिट होया सीगा किथे रामसर दे विच। रामसर किथे है ईरान दे विच। ईरान दे विच कदों होया सी 1971 दे विच। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 1971 दे विच समिट होया सी जिस दे अंडर जो वर्ल्ड दियां डिफरेंट डिफरेंट प्लेस नूं की कीता गया सीगा तां इस दे अंडर जो बचाओ अभियान मतलब वेटलैंड बचाओ अभियान स्टार्ट कीता गया सी। समझ आ गया होगा ये चीज। हुण रामसर साइट दे अंडर इंडिया दी बहुत सारी साइट्स हैगियां ने जो इसदे अंडर आईयां ने बट पंजाब दी आपां पंजाब दे अकॉर्डिंग गल करदे हां तां पंजाब दीआं किन्नीआं साइट्स ने 6 साइट ने और रामसर प्लेस दा नाम है ईरान दे विच। ईरान दी कैपिटल केड़ी हैगी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तेहरान। ईरान दी कैपिटल हैगी है तेहरान। तेहरान और रामसर साइट दा समिट होया सी 1971 दे विच। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। सेकेंड नैशनल एमरजेंसी लगी सी। क्लियर हो गया। चलो होर गल करते हैं। हुण गल करते हैं वेटलैंड बारे। तां इह तां पंजाब दीआं वेटलैंड हैगीआं 6। हुण सब तो पहला क्वेश्चन आ जांदा है कि इंडिया दी फर्स्ट जो केड़ी साइट सी जिसनूं रामसर साइट अनाउंस कीता। हां जी चिल्का लेक बिल्कुल सही बचे। तां इंडिया दी पहली साइट केड़ी सीगी जिसनूं की कीता गया सी कि रामसर साइट अनाउंस कीता गया सी। तां इंडिया दी पहली साइट सी ओ सी चिल्का लेक। क्वेश्चन क्लियर का उड़ीसा। ग्रेट बचे। तां इंडिया दी पहली साइट केड़ी सी चिल्का लेक। अपा इंडिया दे अकॉर्डिंग करिए तां चिल्का लेक सी। चिल्का लेक मे बी क्लियर है इतों तक। चिल्का लेक और चिल्का लेक है कित्थे बच्चे उड़ीसा दे विच है। उड़ीसा दे विच। और क्वेश्चन आ जांदा है इंडिया दी लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक पूछ ली जाए तां केड़ी हैगी है चिल्का लेक। समझ आ गया चिल्का लेक। तां इस ए इंडिया दी फर्स्ट रामसर साइट सी। फर्स्ट रामसर साइट। क्लियर हो गया। इंडिया फर्स्ट रामसर साइट केड़ी है चिल्का लेक। और चिल्का लेक नू फर्स्ट रामसर साइट ता बनी सी इंडिया दी कड़े ईयर विच बनी सीगी ता लिख लेना 1981 दे विच बनी सी। क्लियर हो गया। इस नू कदों अनाउंस कीता गया सी रामसर साइट 1981 दे विच अनाउंस कीता गया सी। मे बी क्लियर है बच्चों इत्थों तक। चलो इह ता सी इंडिया दी फर्स्ट रामसर साइट। हुण क्वेश्चन आ जांदा बच्चे कि इतों ही क्वेश्चन आ जाता कि इंडिया दी सब तो लार्जेस्ट रामसर साइट केड़ी है। इंडियाज लार्जेस्ट रामसर साइट सर क्यों लाडियो नेशनल पार्क तो अपनी हैगी है सुंदरवन डैम। सुंदरवन डैम लिख लेना। इंडियाज लार्जेस्ट जो वेटलैंड केड़ा है या आप रामसर साइट केड़ी हैगी है तो वो है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हो गया। सुंदरवन साइट। क्लियर हो गया। डेल्टा भी लिख सकते हो सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हो गया। और सुंदरवन डेल्टा है वो कितने है वेस्ट बंगाल के विच है। वर्ल्ड दा लार्जेस्ट डेल्टा लिख लेना। वर्ल्ड दा सब तो बड़ा डेल्टा कौन बनाता है ता ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर मिलके बनांदियां नहीं बेसिकली मेघना भी मर्ज हो जाती है वो आप गंगा रिवर के विच करांगे जब गंगा रिवर करवावांगा ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर करांगे ना उस विच कवर कर दूंगा। बेसिकली सुंदरवन डेल्टा बनांदियां ने वो की है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर ठीक है। बेसिकली ये मेघना रिवर दे नाल मर्ज हो जाती है तो फिर बन जाता है जो वर्ल्ड का सब तो वड्डा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो इंडिया दी सब तो वड्डी जो रामसर साइट आ जाएगी वो केड़ी आएगी अकॉर्डिंग टू एरिया सुंदरवन डेल्टा। और इसनू कदों मर्ज किया गया सी भी
इस नूं मर्ज किया गया सी 1992 दे विच। मे बी क्लीयर हो गया होगा। इस नूं रामसर साइट दे विच ऐड कदों किया गया 1992 दे विच। मे बी क्लीयर हो गया होगा। इतों ही क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया दी सब तो स्मॉलेस्ट एचपी चैप, ग्रेट यार रेणू काली, ग्रेट यार ग्रेट। तो लिख लेना इंडियाज स्मॉलेस्ट रामसर साइट। क्लियर हो गया, रामसर साइट अकॉर्डिंग टू एरिया। तो कि हैगी है रेणुका लेक बच्चे, रेणुका लेक। और रेणुका लेक है कितने बच्चे, तो हिमाचल प्रदेश के लिए है। हिमाचल प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट के विच आती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब तो क्लियर हो गया। और रेणुका लेक नूं कदों ऐड किया गया सीगा, तो लिख लेना बच्चे 2005 दे विच ऐड किया गया सीगा। मे बी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट समझ आ रही होगी। हुण क्वेश्चन आ जाता है, टोटल इंडिया दी रामसर साइट किन्नियां ने, ਤਾਂ ਅੱਜ 49 ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ 49 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 49। ਮੇ ਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਚਲੀਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, रामसर साइट आ गया। चलो इस तो बाद हम देखो प्रेजेंट टाइम इंडिया दी रामसर साइट किनिया ने, छे ने ना, छे नु आपा डिस्कस करदे आ केड़ी केड़ी है। ठीक है बच्चों, ता इंडिया दी छे रामसर साइट ने, उन्हां नु आपा डिस्कस करदे आ। सब तो पहला केड़ी जो रामसर साइट आएगी इंडिया दी, वो आएगी हरी के पतन। क्लियर हो गया, पंजाब दी है ना ये? हाँ पंजाब दी है, सॉरी इंडिया दी मैं बोलिया गया, पंजाब दी जड़ी रामसर साइट ने या फिर वेटलैंड ने, वो केड़े ने, छे ने, आप छे नू गल करते हैं। क्लियर हो गया, वेटलैंड है ने, वो किने ने, छे है ने, छे केड़े केड़े ने। सब तो पहला वेटलैंड जड़ा रामसर साइट बनिया सी, वो केड़ा बनिया सी बच्चे, ता हरी के पतन। और ये कितने बच्चे, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। अगर कई बार तरन तारण ना दे और ऑप्शन बीच फिरोजपुर आए, तो फिरोजपुर टिक कर देंगे आप। ठीक है, फिरोजपुर अगर तरन तारण ना ही दिंदा ऑप्शन, फिरोजपुर देगा, फिर आप फिरोजपुर टिक करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तरन तारण जो विच है, पहला इंडिया का वेटलैंड जो रामसर साइट बनिया सी, कदों बनिया सी बच्चे, 1999 दे विच बनिया सी, 1999 दे विच रामसर साइट दे अंडर कदों आया सी वेटलैंड हमारा अपना हरी के पतन, तो 1999 दे विच। क्लियर हो गया, 1999 दे विच। इस तो बाद क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे, और ये तो क्वेश्चन आ जाता है, एक केड़े ये वेटलैंड किथे आ जाएगा, तब ब्यास एंड सतलुज रिवर। ठीक है, ब्यास एंड सतलुज रिवर समझ आ गया। चलो इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड वेटलैंड इंडिया दा, पंजाब दा सेकंड वेटलैंड दी मैं गल करा, तां केड़ा सीगा बच्चे, कंजली वेटलैंड, कंजली वेटलैंड दी मैं गल करा, ता ए किथे है बच्चे, ता कपूरथला दे विच, एक क्वेश्चन आया होया सी भी कपूरथला, कई बार आ गया क्वेश्चन कंजली वेटलैंड किथे है, ता कपूरथला दे विच, सीधा क्वेश्चन पूछा गया सी, डिस्ट्रिक्ट पूछी गई सी किथे है, ता कपूरथला दे विच। क्वेश्चन क्लियर हो गया। और किस रिवर दे नियरेस्ट पाएगा जाएगा ये, ता ब्यास रिवर। लिख लेना रिवर केड़ी आ जाएगी, ब्यास रिवर, कंजली वेटलैंड। और कंजली वेटलैंड नू रामसर साइट कदों बनी सी भी, तां 2002 दे विच। क्लियर हो गया, 2002 दे विच। और कंजली वेटलैंड दे नाल नाल ही एक तीसरी वेटलैंड साइट सी अपना थर्ड, जिहड़ा केड़ा सीगा, तो रोपड़ वेटलैंड। क्लियर हो गया, ये भी 2002 दे विच ऐड कीता गया सी।
ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੰਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट और किस रिवर के नियरेस्ट आएगा तो सतलुज रिवर सब तो पुराना वेटलैंड आ जाए अपना रामसर साइट केड़ी आएगी ता हरी के पतन आएगी उस तो बाद कंजली और कंजली तो बाद कंजली दे नाल नाल ही केड़ा बन गया सी रोपड़ वेटलैंड मे बी क्लियर हो गया होगा कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों चलो इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट जेडी तीन वेटलैंड ने अपने उन बारे गल करते हैं वो रामसर साइट दे विच कदों अनाउंस किए गए तो वो लिख लेना हाँ जी 2019 दे विच क्लियर हो गया 2019 दे विच तीन वेटलैंड अपने और ऐड होए ने 2019 दे विच पंजाब दे केड़े केड़े ने तो एक तो आप लिखांगे केशोपुर क्लियर हो गया केशोपुर वेटलैंड वेटलैंड क्लियर हो गया केशोपुर वेटलैंड एक इत्थे आ जाएगा बच्चे तो गुरदासपुर दे विच गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाएगा ठीक है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच ये की है एक लेक की है इसनू की कर दिता गया अनाउंस वेटलैंड अनाउंस कर दिता गया ये रामसर साइट ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे होर केड़ा आ जाएगा ब्यास कंजर्वेशन दूसरा केड़ा है ब्यास कंजर्वेशन एक इत्थे आ जाएगा तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाएगा बच्चे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाएगा और किस रिवर दे नियरेस्ट आएगा तो ब्यास रिवर ब्यास आ ही गया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया ब्यास रिवर क्वेश्चन क्लियर हो गया इसमें केशोपुर किस रिवर दे हाँ जी केशोपुर हाँ जी किस रिवर दे रिवर नहीं है ये एक लेक सी बच्चे लेक सी उसनों वेटलैंड अनाउंस किया गया समझा गया चलो एक हो गया दो हो गए हम तीसरा वेटलैंड जो रिसेंटली अनाउंस होया है वो केड़ा बच्चे तो लिख लेना ये हैगा नंगल बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया नंगल डाइवर्सिटी क्लियर हो गया और ये कितने आ जाएगा बच्चे रूपनगर रूपनगर डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाएगा समझ आ गया रूपनगर डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाएगा और एक ही रिवर दे नियरेस्ट आ गया सतलुज रिवर रिवर सतलुज रिवर मे बी क्लियर है तो तक कोई डाउट मे बी क्लियर हो गया सारा रामसर साइट ईयर चार्ट किया गया हां जी ये सारे दे सारे 2019 समझ आ गया एक सारी सितंबर 2009 दे विच हुई सी सितंबर अगर मंथ भी दिखना चाहो तो सितंबर मंथ विच ठीक है समझ आ गया ये तो तक क्लियर है वर्ल्ड वेटलैंड डे सर हां जी वर्ल्ड वेटलैंड डे दोस्तों ओके दो करते सेकंड यस सर चलो भाई सेकंड फेब को क्या मनाया जाता है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ठीक है भाई वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ठीक है भाई ठीक है बच्चों तो सेकंड फेब को कौन सा डे मनाया जाता है तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है ये भी नोट कर लेना चलो भाई फेब दे महीने 4 फेब नु केड़ा डे मनाने आप ये भी इंपॉर्टेंट है 4 फेब नु बड़ी गल है वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे क्लियर हो गया 4 फेब 2 तो बाद 2 दिन बाद की हो जाएगा कैंसर क्लियर हो गया तब वेटलैंड वेटलैंड तो बाद 2 दिन बाद क्या हो जाएगा वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाएगा ठीक है
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੰਥ ਦੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 13 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਖਨੀ, ਤਖਨੀ ਰਹਿਣਾਪੁਰ, ਤਖਨੀ ਰਹਿਣਾਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਬੀਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥਰਡ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੀਰ ਬੁਨੇਰ, ਬੁਨੇਰ ਹਰੀ, ਬੁਨੇਰ ਹਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਜੋ ਆ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ, ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰ, ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਨੰਬਰ, ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ, ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨ, ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਸ ਨੰਬਰ ਅਬੋਹਰ, ਅਬੋਹਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੋਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਵਨਥ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਬੋਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਬੋਹਰ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਰ ਅਸਵਾਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੀਰ ਅਸਵਾਨ, ਅਸਵਾਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ,
पंजाब की पहली वाइल्डलाइफ सेंचुरी कदों अनाउंस किया गया सी 1952 दे विच। ठीक है आप बुक्स दे विच देखिए ना कई जगह पर 1953 दिता होता है और नैट पर आप देखते हैं तो 52 है। ठीक है बेसिकली 1952 ही लिखना तुसी, ठीक है इसको इग्नोर कर लेना। ठीक है एग्जामिनर कई बार 52 नहीं देगा तो 53 देगा नियर अबाउट दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा याद रख लेना। ठीक है तो ये अनाउंस हुई कि इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सॉरी पंजाब की पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कही है वीर स्वान जो कि संगरूर दे विच। और संगरूर तो ही आप एक क्वेश्चन और करिए पंजाब दे विच सब तो घट फोरेस्ट एरिया कितों का है संगरूर का है कि 0.03% मतलब जिन्नी मात्रा CO2 की है। क्लियर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने चलो नेक्स्ट आ जाएगा 8th नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8th नंबर से आप गल करिए वीर मिहास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितने हैगी है नाभा पटियाला विच। ठीक है भी ये भी पटियाला है नाभा पटियाला। चलो नेक्स्ट आएगी 9th दोसांझ कलां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोसांझ कलां दलजीत दा नाम आ गया भाई है जो अपना की है कलाकार है वो तो पिंड है दोसांझ कलां तां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कितने हैगी बच्चे नाभा के नेड़े पटियाला आएगी समझ आ गया डिस्ट्रिक्ट आएगी पटियाला ही आएगी समझ आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर 10th नंबर केड़ी आएगी ता वीर बादशाह बादशाह कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लेना ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पटियाला ए भी पटियाला दे विच है इसी प्लेस दे विच है। ठीक है बच्चों तो यह भी पटियाला दे विच है। नेक्स्ट आ जाएगी 11th नंबर 11th नंबर मैं गल करा तो झज्जर 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गल करा तो यह कितने है रूपनगर रूपनगर मतलब रोपड़ रूपनगर रोपड़ दे विच। ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे 12th नंबर नंगल नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कितने आ जाएगी फिर भाई रूपनगर डिस्ट्रिक्ट दे विच। क्लियर हो गया रूपनगर डिस्ट्रिक्ट दे विच। इस तो बाद क्वेश्चन आ जाता है बच्चे अपनी लास्ट और इंपोर्टेंट है ये भी वेरी इंपोर्टेंट है लिख लेना कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुनिया होगा कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितने है बई ये पठानकोट के विच है पठानकोट पठानकोट मे बी क्लियर हो गया इंपोर्टेंट लगा लेना स्टार लगा लेना क्योंकि ये पूछी जाती है कथलोर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कितने पठानकोट के विच है मे बी क्लियर है इतों तक कोई डाउट ओके चलो ये सी अपनिया और एक मैं हाबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गल की सी ओ के दे लई फेमस है ता ब्लैक बग लई मतलब हाबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गल की सी मैं हाबोर वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गल की सी ए कादे लई फेमस है ता ब्लैक बग लई बग मतलब काले हिरन दे लई। ठीक है बच्चों मतलब अबोर तो गंगानगर रोड से जाने ना तो आम सीधे सामने देखने मिलते हैं अपन। ठीक है बच्चों तो यह सी अपनी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब के रिलेटेड। ठीक है इस तो बाद क्वेश्चन करांगे बच्चे पंजाब के कुछ देसी महीने आते हैं जिवें अपने देसी महीने पंजाब के नहीं अपने मतलब सारे पंजाब के जां इंडिया के विच देसी महीने देसी महीनों आप किस दे अकॉर्डिंग मनते हैं शक संबत के अकॉर्डिंग मनते हैं शक संबत। क्लियर हो गया एक क्वेश्चन है मेरा कि शक संबत मैं गल करा
जिसनों आपां राष्ट्रीय पंचांग बोल देने हैं या नैशनल कैलेंडर बोल देने हैं। क्लियर हो गया? ता शक सम्मत, शक सम्मत नूं आपां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कदों ऐड किया गया सी? नैशनल कैलेंडर दे रूप विच। चलो 22 मार्च 1957 दे विच याद रख लेना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कदों ऐड किया गया सी? 22 मार्च 1957। मतलब देसी महीने स्टार्ट कदों होंदे है? ता 22 मार्च ने, जो चेत महीना है ना वो कदों स्टार्ट होएगा? ता 22 मार्च नूं। हाँ जी, और एक चीज और क्लियर करा, अगर ये ता लीप ईयर दे, ये ता जनरल ईयर दे अकॉर्डिंग है, अगर लीप ईयर होएगा ता कदों स्टार्ट होएगा? 21 नूं। ग्रेट यार, ठीक है। ता एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि शक संबंध नूं आपां की है नैशनल कैलेंडर दे रूप विच अडॉप्ट कीता सी और इंडियन। सर ए रिपीट कर दो। हाँ जी ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। चलो बेटा जी, मैं बोल रहा शक संबंध मतलब अपने देसी महीने होंगे ना, देसी महीने आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की गल करिए, ये तो ग्रीक लोगों ने बनाए सीगे, ये अपने नहीं बनाए हुए, ठीक है। अपने तो देसी महीने ने जिमें कि चेत हो गया, सावण हो गया, हड़ हो गया और जेठ हो गया जो अजकल चल रहा है, ठीक है। तो जेठ महीना ये महीने होंगे ने देसी महीने, तो देसी महीनों आप करिए आप शक संबंध के अकॉर्डिंग आता है शक संबंध। ये शक संबंध की है, इसनों एक नैशनल कैलेंडर के रूप में अडोप्ट किया सी, नैशनल कैलेंडर, कैलेंडर के रूप में इंडियन गौरमेंट ने, इंडियन गौरमेंट ने कदों अडोप्ट किया सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच? 22 मार्च 1957 के विच। क्वेश्चन क्लियर हो गया है ये चीज? हुण देखो जो देसी महीना है पहला महीना वो किहड़े कदों स्टार्ट होंदा है? तो 22 मार्च तो स्टार्ट होंदा है। 22 मार्च जो देसी महीना स्टार्ट होंदा है जिसनों आपां की बोलते हैं? चेत बोलते हैं, चेतर, ठीक है। चेत चेत महीना 22 जो मार्च नूं। अगर कई बार ये की होंदा है जनरल ईयर दे अकॉर्डिंग, मतलब जनरल ईयर दे विच दिन किन्ने होंदे है? 365 दिन होंदे है, 365। उस दिन आपां की करदे हां 22 मार्च नूं की मनदे हां? देसी महीना मनदे हां, मतलब चेत दा महीना। अगर लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर दे विच ईयर किन्ने मंथ दा, जो ईयर कितने दिन का होंगे? 366 दिन का। उदो आप जो चेत महीना पहला महीना किन्नी तरीक नूं मन्नांगे? 21 मार्च नूं मन्नांगे। मे बी क्लियर है इतों तक? इतों ही क्वेश्चन आ जाता है। चलो ये चीज तो मैं कीती कीती। इस तो बाद 22 मार्च नूं किहड़ा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। ग्रेट यार, द वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। डे। क्लियर हो गया? डे मनाया जाता है। मे बी क्लियर हो गया? शिविका क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? हाँ जी क्लियर। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आज तो मैं ये चीज करा के जाऊंगा, कोई बात नहीं। डेज मंथ वाले ना ये कराना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? करावा बाद मंथ अज डेज कदे नहीं भुलेंगे। चलो देखो फिर एक विचार है अपना पंजाब जी के थोड़ा जा रह गया, चलो इन आप पहला पूरा कर दे। हाँ हाँ जी, बेसिकली तो 14 मार्च नूं कहिंदे काउंट हुंदा है, बट बेसिकली आप मानिए तो जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 मार्च नूं शुरू कर दिया, ठीक है। 22 मार्च अपने पंजाब दे विच आपां दूसरी नानक शाही कैलेंडर दे अकॉर्डिंग जाइए तो वह 14 मार्च नूं स्टार्ट हुंदा, ठीक है। नानक शाही कैलेंडर दे अकॉर्डिंग देसी महीना स्टार्ट हुंदा वह 14 मार्च नूं हुंदा है, और बेसिकली शक संबंध दे अकॉर्डिंग करिए तो आपां किन्नी तरीक 22 मार्च हुण समझ आ गया। चलो देसी महीने सब तो पहला आ जाएगा अपना महीना पंजाबी च लिखण लगे चेत, चेत दे महीने पहला महीना किहड़ा हुंदा बच्चे? चेत। नानक शाही कैलेंडर दे अकॉर्डिंग 14 मार्च नूं स्टार्ट हुंदा है बच्चे, याद रखना है भी,
ठीक है, आपां नानक शाही पंजाब कर रहे हैं तो आपां तां नानक शाही कैलेंडर दे अकॉर्डिंग करांगे। ठीक है, चलो भाई तां क्वेश्चन आता है 14 मार्च नूं स्टार्ट हुंदा है। अगर जे ये 14 नूं स्टार्ट हुंदा है सक्षमत वाले कह रहे सी भी 22 मार्च नूं स्टार्ट हुंदा है, पर सर जिद्दां ओह कृष्ण पक्ष ते शुक पक्ष दा करदे आ पूर्णमासियां ते पूर्णमासी दा, फिर ओह सर अग्गे पिछे ना हुंदा होगा ओ हुंदा, मतलब ए तां हुण आपां नहीं मंदेगे पर पंडित लोग हुंदे आ ओह कर दिंदे आ अग्गे पिछे। हुण आपां कुछ लोग की करदे ने जिवें नवरात्रे हुंदे ने कुछ इकट्ठे कर लैंदे ने, इह ना ग्रहां दी मतलब स्पीड दे अकॉर्डिंग कुछ टाइम बनदा है, उस दे अकॉर्डिंग फिर इह अग्गे पिछे हो जांदा है। क्लियर हो गया, ओहदे अकॉर्डिंग अग्गे पिछे हो जांदा है। चलो भाई तां चेत दे महीने किहड़ा मेला लगदा है, इह इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया। चलो जटाई विसाखी है, थर्ड केड़ा आ जाएगा जेठ का महीना जो अजकल चल रहा है, जेठ। फोर्थ आ जाएगा हाड़, और फिफ्थ तक आ जाएगा सावण। सावण के महीने केड़ा महीना मेला लगता है, तिया का मेला लगता है। ठीक है, तिया का मेला लगता है, लिख लेना तिया का मेला। बाकी आप मेला मेले करांगे, सारे फेस्टिवल करावांगा, सारे सारे क्लीयर कर देंगे कि महीने केड़ा होता है। ठीक है, अब मंथ की गल करते पहला, तो नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे भादो। भादो महीने के गुग्गा नौमी होंगी भी, इतने खा काफी फेमस है ना इस एरिया दे विच, मतलब आप मन के चलिए गुग्गा नौमी। हाँ जी, गुग्गा नौमी। हाँ जी, सप्पां दे लई। हाँ जी बिल्कुल, सप्प दे लई। सत्तवां महीना कहड़ा आ जाएगा, तो अस्सू। हाँ जी कत्तक, बिल्कुल सही है कत्तक, बिल्कुल। ताम मगर, मगर आ जाएगा। टेंथ की आ जाएगा पो, पोदे महीने ब्याह नहीं करते कहते, बिल्कुल छोटे। हाँ जी, और माघ, माघ माघ के महीने क्या होता है, बसंत पंचमी होती है बच्चे, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी होती है मिड फरवरी होती है, मिड फरवरी। मिड फरवरी मतलब क्या हो गया, 14 फरवरी। ठीक है भाई, और हम तो नहीं भूलेगा 14 फरवरी आ दिन तो नहीं भूलता किसी। हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा फग्गण। फग्गण, फग्गण की है तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। एक क्वेश्चन आया सी बी देसी महीने की तो शुरू होते हैं पीटी प्लस बी एस ए ट्रिपल बी एस, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लास्ट महीना पूछ सकता है या स्टार्टिंग महीना। ठीक है, और बाकी एक जेडे इन्हां दे मंथ दे विच जेडे मेले लगते हैं उन्होंने भी आपां डिस्कस करांगे। क्लियर हो गया इतों तक, ये अपने मंथ कंप्लीट हो गए ने। इस तो बाद अपने की आ जाएंगे डिवीजन, आ जाएंगे डिवीजन, डिवीजन बारे गल करांगे। कोई और पांच डिवीजन सब तो ओल्डेस्ट डिवीजन के जलंधर डिवीजन, जो पंजाब और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होया सी उदो भी जलंधर की सी एक डिवीजन सी। ठीक है, चलो चलो गल करते आपां अपने पंजाब डिवीजन दी। गल डिवीजन, डिवीजन किन्नियां ने अपनियां, पांच डिवीजन ने। पांच डिवीजन दी मैं गल करां तां केड़ी केड़ी डिवीजन हैगी है, तां एक गल करदे हां। सब तो पहला आ जाएगी फरीदकोट डिवीजन, फरीदकोट डिवीजन। क्लियर हो गया, फरीदकोट डिवीजन दी मैं गल करां तां इहदे विच डिस्ट्रिक्ट किन्ने आंदे बच्चे, तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्लीयर हो गया, तीन डिस्ट्रिक्ट। फिर आ जाएगा फिरोजपुर डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ 3 ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੋ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆ ਗਏ 23। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਲੰਧਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਏਗੀ ਰੋਪੜ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਝਾ, ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਥ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਸਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ? ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਸਟਾਰਟ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਮੰਥ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਡੇਜ਼, ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 Jan ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? NRI ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ। ਚਲੋ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਡੇ, ਹਿੰਦੀ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ 12 Jan ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਥਡੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ, ਯੂਥ ਡੇ। 15 ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਡੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 24 ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 24 ਨੂੰ, 24 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਚਲ 25 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇ, ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਤਾ ਦਿਵਸ, ਵੋਟਰ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? 25 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇ ਹੋਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ 26 ਨੂੰ, ਸੋਰੀ 26 ਲਿਖਣਾ ਬੱਚੇ, 26 ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਲਿਕ ਡੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਔਰ 30 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 26 ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ 26 Jan, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਤੋ ਮਾਰਟੀਅਰ ਡੇ, ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਚੈਨ। ਚਲੋ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਕਿਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸੁਖਚੈਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ,
तब बर्लिन, ठीक है भाई, तब बर्लिन चला गया और स्टडी कर ले गया, ठीक है। हम देखो भाई स्टडी कंप्लीट हुई, स्टडी कंप्लीट होते ही इन्हों की मिल गई उ जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। हम जॉब मिल गई तो जिस कंपनी के जॉब कर रहा है ना, उसे एक फॉरनर लड़की भी काम कर रही थी, ठीक है। दोनों की गलबात हुई तो गलबात कितों तक पहुंच गई, ब्याह तक पहुंच गई। हुण सुखचैन का की हो गया, ब्याह हो गया उस कुड़ी के नाल, ठीक है भाई। हुण ब्याह हो गया तो हुण देखो इनू इंडिया की सिटीजनशिप तो छड़नी पैनी सी, और इंडिया की सिटीजनशिप छड दित्ती तो उतों की पीआर ज्वाइन कर ली, तो साढ़े लिए की बन गया एक एनआरआई परसन बन गए, समझ आ गया। हुण एनआरआई इंडिया के आ गया कि तरीक न 9 जनवरी, क्लीयर हो गया। 9 जनवरी एनआरआई इंडिया के आया, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भी, इन्हू पता लग गया भी गोयल इतने पढ़ा रहा है, तो सीधा एयरपोर्ट तो उतर के इधर आ गया, एयरपोर्ट तो उतरिया और इतने आ गया। इतने आके कहता यार तुम्हें तो अकल ही नहीं हैगी, मैं क्या की गल होगी भी, कहते यार तुसी ना अंग्रेजी के पिछे पिछे भरे भजे फिरते हो, तुहाडी जिहड़ी हिंदी लैंग्वेज है वह की हो गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। तो मतलब 9 जनवरी आया, 10 जनवरी इन्हें ये गल्लां कीतियां, ठीक है। हुण देखो भी मैनू भी अच्छी लगी गल, और इतने स्टूडेंट बच्चे सी उन्होंने भी अच्छी लगी। इसने की किया, दो दिन बाद अपनी अच्छी गल्लां नाल पूरे मोहाली नूं इकट्ठा कर लिया, मोहाली इकट्ठा हो गया तो की बन गया, एक यूथ बन गया। हुण इस यूथ नूं प्रोटेक्शन की भी लोड़ सी, बहुत सारे VIP परसन सीगे, तां हुण पंजाब पुलिस नूं बोलिया गया भी सानूं प्रोटेक्शन दे दो। पंजाब पुलिस कहिंदी भी असीं तां इलैक्शन ड्यूटी ते बिजी आ। तां सुखचैन ने की किया, 3 दिन बाद आर्मी नूं चिट्ठी लिखती, आर्मी कहती भी चलो तुम सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवा देंगे, बट साड़ी एक कंडीशन है। सुखचैन कहता बोलो सर किस चीज़ की कंडीशन है, वो कहते कहते अजकल भ्रूण हत्या होती है उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। तो इन्होंने 9 दिन बाद हरियाणा के पानीपत से खड़े होकर एक नारा दे दिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेसिकली ये नारा तो दिता गया 2015, ठीक है बच्चो, ठीक है। 22 जनवरी दिता गया, बट आप इतने 24 जनवरी, तो बेटी मतलब गर्ल भी बच गई। अगले दिन मैडम भी इस युद्ध खड़े सके, मैडम कहते सानू भी एक अधिकार है। तो हम सुखचैन कहता किस चीज का अधिकार है मैम, कहते वोट पाने का अधिकार। सुखचैन ने साइन किया, वो मैं वोटिंग का राइट मिल गया। हूँ मैं भी उस युद्ध खड़ा सी उस दिन, मैं क्या सर इन्नी खुशी वाली गल है, कि कोई टूर लैके चलते हैं सर, कहते चलो कितने चलीए सर, मैं क्या दिल्ली चलते हैं। उस दिन ही साडा टूर दिल्ली नहीं निकलिया, और अगले दिन 26 जनवरी कितने पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, तो उत्थे चल रहा रिपब्लिक डे का प्रोग्राम। उसके 4 दिन बाद की करते आप गांधी जी को श्रद्धांजलि देने, क्लियर हो गया। तो NRI आया, उसने यूथ बना, NRI आया, उसने हिंदी लिए अवेयर किया लोगों, और इस दे लिए एक यूथ बन गया। यूथ की प्रोडक्शन लिए आर्मी आ गई, आर्मी ने गर्ल नूं बचाया, गर्ल नूं वोटिंग का राइट मिलिया। इस खुशी में एक टूर गया दिल्ली, दिल्ली दे विच रिपब्लिक डे का प्रोग्राम चल रहा है, उसके 4 दिन बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने। मे बी क्लीयर है क्या, चलो थैंक यू सो मच, अज लई समझ आया होगा, चलो थैंक यू सो मच।